बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप नाश्ते में भी खा सकती हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। इसको आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। तो एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लिक्स, 1 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप, हरी मिर्चें 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून प्याज है चॉप्ड की हुई, 2 टेबलस्पून ही टमाटर हैं चॉप किए हुए, 1/3 कप दूध। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी इस मिक्सचर में हम एक अंडा तोड़ देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हमने एक बैंगन को लंबाई में कट कर लेना है। इनको हम पैन में इस तरह से सेट कर लेंगे। फ्लेम हमारा लो है तो 1 मिनट के बाद हमने बैंगन को चेंज कर देना है। तो 1 मिनट दूसरी साइड से भी हो गया है। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसे इसी तरह से रहने देंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह से रहने देंगे, हमारी दूसरी साइड पर भी लाइट गोल्डन कलर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप इसे किसी भी सॉस के साथ और मायोनीज के साथ सर्व कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हो जाता है ये नाश्ता। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी ये रेसिपी 10 मिनट में बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।